जैसा कि आपने वीडियो के 11th पार्ट में देखा कि दीशु डॉक्टर अदिति के जाने के नाम से बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। इसलिए अवि अदिति को जाने से मना कर देता है, जिससे मौसी और हिमांशी को दीशु पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। क्या होगा आगे जानने के लिए देखते हैं वीडियो का 12th पार्ट। देख लिया क्या निकली है लड़की? मैं कहती थी आपको, हमेशा मानते नहीं थे आप मेरी बात। देख रहे हो ना इसने क्या किया आज? अच्छा खासा जा रही थी वो, रोक लिया उसको, बन गई महान। हाँ यार सारा मूड खराब कर दिया इसने। अब देखो इसका भरता बनाती हूँ मैं। दीशु इधर आ, बैठ इधर। जब वो जा रही थी तो तुझे उसे रोकने की क्या जरूरत थी? तेरे को ज्यादा ही प्यार आ रहा था उसपे। और वैसे भी एक बात बता, तेरी सगी माँ वो है या मैं हूँ? पूरे दिन उसके साथ चिपकी रहती है। मम्मी पर वो बहुत अच्छी है। ओ, वो बहुत अच्छी है, हम खराब हैं। जो तुझे इतना बड़ा कर दिया, आज इस बोलने लायक तुझे कर दिया, वो अच्छी है। यहाँ पाल पाल के ऐसी बन गई है तू, ड्रम जैसी। तुझ बॉटम को समझाने से कोई फायदा है नहीं, मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। निकल यहाँ से, उड़ जा, चल। देखो इस पे ध्यान देना करो बंद, इसकी रगों में दौड़ चुका है डॉक्टर का खून। अब ये हो गई पागल, हमें अब अपनी पीहू पे ध्यान देना है। ये तो वैसे भी सौतेली सा क्या करोगी। दीदी आवाज आ रही, लग रहा है जीजू आ गए। आंटी पीहू और सृष्टि कब आएंगे? बेटा बस आने वाले होंगे। लो आ गए। मैंने ना आपको बहुत मिस करा। मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस करा। लो जी आपकी वाली भी डॉक्टर के प्यार में बह रही है, अपना प्यार बरसाओ जाओ। बच्चे पीहू बेटा थक गए होंगे ना, आओ मम्मा आपको कुछ खाने के लिए देती है। मम्मा सृष्टि और दीशु को भी बुला लो ना। बेटा उनको मौसी दे देगी कुछ खाने को, आप मेरे साथ आओ। बेटा आपने मम्मा को मिस नहीं किया? मम्मा भी इतने दिनों से नहीं थी, आप भी नहीं थे, और आप आते ही वो बाहर वाली आंटी के गले मिल लिए। मम्मा वो ना इसलिए मैं गले मिल रही क्योंकि ना वो दिख गई थी, इसलिए मैंने ऐसा नहीं है, आपकी याद नहीं आई, बहुत याद आई थी। मैं बच्चा। मम्मा आपको एक बात बताऊं, सृष्टि ने ना मेरा बहुत ध्यान रखा था। सृष्टि ना बहुत अच्छी है मम्मा। सही कह रही है बिल्कुल, सृष्टि बहुत अच्छी है, उसकी मम्मी इतनी अच्छी है, खैर तो वो तो अच्छी होगी। बड़ी अच्छी है, ध्यान रखियो इसका। मैं ना ग्रीन कलर लूंगी, मैं येलो कलर। दीदी हम भी चलते हैं खेलने, ये डॉक्टर और डॉक्टर की बेटी को गेम से आउट करते हैं। हमारे घर में हमें आउट करके बैठी हुई है, हम भी खेलेंगे। हाँ ब्लू मेरी, ग्रीन मासी की। मम्मा आपको इतना नहीं पता, लूडो में बस 4 प्लेयर्स होते हैं और हम हो गए। वैसे आंटी अगर आपको हमारा गेम देखना है तो आप खड़े होकर देख सकते हो। थैंक यू, हमें ऑडियंस बन के यहाँ गेम देखने का शौक नहीं है। दोबारा से खेल लो। देख रहे हो दीदी हमें मना कर दिया, डॉक्टर और डॉक्टर की बेटी को भी तो आउट कर सकती थी, घर वालों को मना कर रही है बच्चे। आप लिखवा लो मुझसे, ये डॉक्टर आपके घर का पूरा सत्यानाश कर चुकी है। हाँ यार पूछ मत लोगों की, तो कहने के नाम पे इतने पढ़े लिखे बनते हैं और दूसरों के घर में डेरा डाल के पड़े ही रहते हैं, यूं नहीं कि अपने घर भी चले जाएं। ठीक है करती हूँ बात, पता नहीं लोगों को अक्कल क्यों नहीं आती, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं बच्चेदार, तब भी पड़े रहते हैं लोगों के घर में। वैसे तो दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी बहनों के घर में ही आग लगाते हैं। दीदी बहुत इरिटेशन होते हैं यार अब यहाँ पे, वो डॉक्टर है ना मुझे बोल रही है। क्या बोल रही है? मुझे कह रही है कि कुछ लोग यहाँ पड़े रहते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल रही है, और ये सब जीजू की वजह से हो रहा है, यहाँ उसको ला के बिठा दिया है। आप प्लीज कुछ करो, कुछ करना पड़ेगा इसका। गाइज मैं आपको एक बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मियो। मियो पे आप इजी गेम्स पर पेड करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं।
यहाँ पर मी विन गो गेम है जिसपे आपको गेम का कलर क्रेडिट करना है। रुको गाइज, मैं आपको अभी एक गेम खेल के दिखाता हूँ। अभी वॉलेट में 247 रुपीज है और ये देखो गाइज, मैंने ग्रीन कलर क्रेडिट किया है और देखते हैं। और ये देखो गाइज, मैं जीत गया। ऐसे ही आप भी विन गो क्रेडिट करके एक डिसेंट अमाउंट कमा सकते हैं। और हाँ गाइज, यहाँ पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट है, साथ ही इसमें इंस्टेंट विड्रॉल्स हैं। आप अपना जीता हुआ पैसा UPI के थ्रू या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो देर किस बात की गाइज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पैसा कमाइए जल्दी। ये डॉक्टर तो बड़ी ढीठ है, हिलने का नाम ही नहीं लेती यहाँ से। इसकी बेटी का ही कुछ करती हूँ, इसको समझाती हूँ, शायद दिमाग में आए और अपनी माँ को बोले। ऐसे करती हूँ। अरे सृष्टि, यहाँ डालो दृष्टि, इधर आओ। और बताओ, एक बात बताओ, आपको नहीं लगता कि आपका अपना घर होना चाहिए? जैसे दीशु और पीहू का है, एक अपना घर होता है, बड़ा घर, अच्छा घर, अपना घर, अपनी मर्जी से उस पे सो, बैठो, खेलो, कूदो। ऐसे दूसरों के घर में इतने दिन तक रहना, थोड़ा वो तो दूसरों का ही होता है। कल को स्कूल में फ्रेंड्स पूछेंगे कि आप किसके घर में रहते हो, तो हमेशा पीहू और दीशु का घर बताओगे, तो वो भी क्या कहेंगे कि आपका अपना घर नहीं है क्या? ऐसे चिढ़ाएंगे आगे चल के, तो अच्छा नहीं लगता। आप मम्मा को बोलो कि जैसे पीहू और दीशु का अपना घर है, वैसे आपका भी अपना घर हो। मौसी, सृष्टि के बारे में ऐसा मत बोलो, उसका भी घर है, हमारी बहन जैसी है वो भी। मौसी पीयू सही कह रही है। तू तो चुप ही रह बेटा, ये बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। पर आप अपनी मम्मा से बात करना, अपना घर बहुत जरूरी है और अपना ही होना चाहिए, ठीक है? सृष्टि, तू ना मौसी की बात को बुरा मत मारियो। हाँ ओए, पता है ये दीदी ना बहुत अच्छे अच्छे प्रैंक करती है। अरे तो अपनी मम्मी के साथ भी करती है, चलो हम भी ना मम्मा और मौसी के साथ करते हैं प्रैंक। नहीं नहीं, वो गुस्सा करेंगे। अरे मैं संभाल लूंगी, चल। ये दी मम्मा की क्रीम और ये दी मौसी की क्रीम। डांट पर जाएगी, मत कर। अरे नहीं पड़ेगी, मैं बोल रही हूँ ना। चल अब चलते हैं। क्या है, हंस क्यों रहे हो? जोकर दिख रही हूँ मैं तुम्हें? दीदी, ये क्या लगाकर आ गए हो फेस पे? क्या लगाया है? क्रीम ही तो लगाई है। तूने क्या लगाया है? मैंने भी क्रीम लगाई है, मॉइस्चराइजर तो रखा था। क्या हो गया? ब्लैक ब्लैक ही हो रहा है ये। कहाँ ब्लैक हो रहा है, फोन दिखाओ। ओ, किसने की है बदतमीजी? बेटा ये शरारत आप लोगों ने करी है। पापा कॉफी तो ही डाली थी मम्मा की क्रीम में। अच्छा कॉफी थी। अरे हिमांशी, इट्स ओके यार, कॉफी तो है और वैसे भी कॉफी तो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब ये सिखाइए हमें फेस के लिए क्या अच्छा होता है क्या नहीं। चल जाओ अंदर भी लगवा लो ना। ये जो किया है ना, उस डॉक्टर की लड़की ने किया है, लिखवा लो मुझसे। पीहू ने कभी ऐसा किया और ना कर सकती वो, और दीशु तो हाई बॉटम, वही है इन सब चीजों के पीछे। चारू, आज ना हम पे सब हंसे हैं, तू कुछ भी कर, मुझे ना इस डॉक्टर से बदला लेना है। देखते जाओ अब। डॉक्टर का चूस। क्या कर रही है तू? डॉक्टर को मार मार तो नहीं देगी? ना ना, ऐसे काम थोड़ी करती हूँ मैं। इससे डॉक्टर सिर्फ पेशेंट बनेगी, डाउन रहेगी, पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा, मरेगी नहीं। मर जाए तो किस्सा ही ना खत्म हो जाए। डॉक्टर, दिस इज फॉर यू। जीजू आप लेंगे? नहीं मैं नहीं लूंगा। बच्ची तुम पी लेना। अरे दीदी, तो हाथ में लेके बैठी, पी क्यों नहीं रही है? पी ले, पी ले। अरे यार। अच्छा अभी मेरा कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। पापा मैं एक और ग्लास ले लूँ? हाँ पी लो बेटा। यार ये डॉक्टर का ग्लास क्यों पी रही है? पीहू बेटा नहीं, वो आंटी का ग्लास है ना।
गंदी बात होती है, ऐसे नहीं पीते। मामा प्लीज वन लास्ट पीने दो। अरे पीने दो हिमांशी, वो दूसरा ले लेगी दोबारा फ्रिज में से, बच्चा है, पीने दो, पी ले बेटा। हेलो गाइस, कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट जरूर करके बताना, और साथ ही इसका 13th पार्ट चाहिए तो भी हमें कमेंट करना, लाइक शेयर जरूर जरूर करना, और जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो हमारे चैनल चुलबुल वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही गाइस मियो ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।